मामला फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के अंतर्गत का अविदा पुत्री शकील अहमद की शादी बिलाला पुत्र विलायत अली निवासी शेख लतीफ थाना रसूलपुर के साथ काफी दान दहेज देकर राजा पैलेस मैरिज होम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही बिलाल अपनी पत्नी को दहेज के लिए उकसाता रहा, आए दिन मारपीट करता रहा और अपनी पत्नी अबिदा से कार और 2 लाख रुपए की मांग करता रहा। शादी को लगभग 2 वर्ष ही हुए, बिलाल ने अपनी पत्नी को मारना पीटना गाली गलौज देना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने अबिदा को समझा बुझा कर ससुराल पहुंचा दिया पर बिलाल को समझ में नहीं आया। अबिदा को ससुर विलायत अली, सास और ननन अपने बेटे विलायत अली का साथ दिया और अपनी धर्मपत्नी को मारना पीटना शुरू किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगे। हद तो तब हुई जब उसने अपनी पत्नी अबिदा को लात डंडों और चाकू से प्रहार कर दिया। अबिदा को अचेत अवस्था में एक कमरे में बंद कर दिया गया था। रात लगभग 11 बजे अबिदा को होश आया और उसने अपने को कमरे में पाया। मोबाइल से उसने अपने घर पर सूचना दी और खबर मिलते उसके भाई अपनी बहन के घर पहुंचे और गेट नहीं खोला, सभी के साथ बदतमीजी भी की और कहा कि दहेज का मांगा हुआ सामान नहीं आया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आबिदा अपने भाइयों के सहयोग के साथ रसूलपुर के थाने में गई और काफी गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने मेडिकल के लिए आबिदा को सरकारी ट्रामा सेंटर में भेज दिया है। आखिर ये क्या मामला हुआ है? कोई बात नहीं, मतलब मारा। किसने मारा है? हस्बैंड ने। और सब ने मिलके हाथ उठाया, मुझे मेरे बच्चे को भी चाटा मारा हस्बैंड ने। सब जगह चोट लग रही है मेरे, मैं कहाँ कहाँ दिखाऊँ, पूरे शरीर में चोट लगी हो गई, मैं सर से पाऊँगा। बहुत बुरी तरह मारा मुझे, आवाज़ तक नहीं निकल रही मेरी, सुन रही है मैं खाना सब से मारा। सर ये मेरे चाचा की लड़की है, ये मेरी चाची है, ये चाचा हैं इधर खड़े हैं, ये जयपुर रहते हैं। इन्होंने अभी 1.5 साल पहले शादी कर दी है लड़की की और ये आए दिन ये दहेज की डिमांड करते हैं। अभी 2 लाख रुपए और कार मांगी थी इन्होंने दहेज में, हमने सब कुछ दिया। राजा पैलेस से इनकी शादी करी थी, आज इसका कल फ़ोन आया था 22 तारीख में शाम को करीब 9:30 बजे कि ये मुझे जान से मार देंगे ये लोग। तो मेरा छोटे 2 भाई और मैं पहुँचे, एक तो इन्होंने सर गेट खोला नहीं है। बहन का फ़ोन आया, रोड में मारपीट आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर गेट लगा हुआ था। किस जगह पहुँचे? शेख लतीफ, वहाँ पर फिर मारपीट चालू थी, फिर हम लोगों पे भी हमला गया, लोगों ने आने नहीं दे रहे थे। NBC न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।